पीएफ के तरफ से नया अपडेट लेकर आ गया है ईपीएफओ ने, पीएफ पासबुक लेकर। ठीक है, इसी के बारे स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीडी टेक्निकल चैनल। स्वागत करता हूं आप सभी का। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना गूगल क्रोम ओपन कीजिए फ्रेंड। ठीक है, उसके बाद चार्ज बार में लिखिए ईपीएफ उसके बाद देखिए फ्रेंड क्रॉस का निशान में क्लिक करें। ठीक है, उसके बाद देखिए जूम करके दिखा रही हूँ ई पासबुक, इसी पर क्लिक करें। उसके बाद देखिए डेस्कटॉप साइट ओपन कर लीजिए। उसके बाद देखिए यूएन नंबर और पासवर्ड डाल दीजिए और कैप्चा कोड जैसा है वैसे ही। ठीक है, मैं अपना यूएन नंबर पासवर्ड डाल दे रहा हूँ। उसके बाद देखिए कैप्चा कोड इस तरीके से भर लीजिए और साइनिंग कीजिए। -6 देखिए इस तरीके से ओपन हो रहा है। ठीक है, ध्यान से देखें ताकि अच्छी तरह से समझ जाएगी। उसके बाद देखिए सबसे ऊपर में अपना यूएन नंबर दिखा रही है इस तरीके से। उसके बाद देखिए ये रखो निशान में क्लिक करें। उसके बाद देखिए व्यू पासबुक ओल्ड इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए व्यू पासबुक न्यू ईयर उसके बाद देखिए 2020 2021 इस तरीके से देखिए देख सकते हैं 2020 2019 और 2018 इस तरीके से पासबुक डाउनलोड करके देख सकते हैं। पीएफ की तरफ से जबरदस्त अपडेट लेकर आ गया है ईपीएफओ ने। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड नंबर पे व्यू क्लेम स्टेटस इस तरीके से अपना स्टेटस देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, सबसे ऊपर में देखिए अपना यूएन नंबर इस तरीके से देख सकते हैं।
बड़ी आसानी से। ध्यान से देखे ताकि अच्छी तरह से कर पाओगे, ठीक है। ये वीडियो कैसी लगी फ्रेंड, जरूर कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ। हैप्पी नेक्स्ट डे फ्रेंड, बाय बाय।